अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फरीदसन है और 2021 अब शुरू हो गया है, मगर कोरोना वायरस ने हमारी जान अभी तक नहीं छोड़ी। ये वायरस अभी भी हमारे दरमियान मौजूद है। इस वायरस से हम सब तंग आ चुके हैं और अब हम अपने अतराफ के मामूल से तंग आना शुरू हो गए। पिछले साल तवील अरसे के लिए तमाम ही स्कूल बंद रहे और इन सर्दियों में हम किसी भी रेस्टोरेंट में बैठ कर खाना नहीं खा सकते, पिक्चर देखने सिनेमा हॉल नहीं जा सकते, यहाँ तक कि हम एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिला सकते। हम बेजार जरूर हो गए हैं, मगर हमने कोई भी बेवकूफी नहीं करनी, क्योंकि इस वक्त हमारा मुल्क कोरोना वायरस की दूसरी लहर की लपेट में है। और हमारे तमाम ही हिफाजती इकदाम क्या हैं, मैं आपको याद दिलाता हूँ। घर से बाहर जब भी जाएं, मास्क जरूर पहनें, अपने हाथ कम अज कम 20 सेकेंड बेगायदगी से धोएं, हर शख्स से 6 फुट के फासले पर रहें, और ऐसी किसी भी महफिल में जाने से परहेज करें जहां लोगों का हजूम है। दुनिया भर से कोरोना वायरस की वैक्सीन की खबरें आ रही हैं और कुछ मुल्कों में वैक्सीन लगाने का अमल भी शुरू कर दिया है। अनकरीब वो दिन जरूर आएगा जिस दिन कोविड-19 का खात्मा हो जाएगा। हमने मायूस नहीं होना है, मगर जब तक हमने वैक्सीन नहीं लगा ली, हमें तमाम हिफाजती इकदामात पर सख्ती से अमल करना है और अपने घर वालों का ख्याल रखें। पवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। अल्लाह हाफिज़।